तो फ्रेंड्स वेलकम क्यूट बेबी ब्लॉग। और आ चुकी है राय महा, हर वक्त एसी के सामने बैठने वाली बच्ची। और देखें ये क्या कर रही है, जरा देखें, ये खा रही है सीमेंट, वो भी बॉक्स से। अभी बताते हैं, अभी ना जाके बताते हैं। इन्हें देख लिया है, क्या कर रही हो आप? ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से इनका ये खाया जा रहा है। पिटाई करूं तुम्हारी? पिटाई करूं? तो क्यों ये गंदी हरकत कर रही हो, टूट जाएगा वो। बताओ। अच्छा खड़ी हो, अपनी ड्रेस दिखाओ, ड्रेस। ये देखें किस तरह से इन्होंने ड्रेस पहन रखी है अपनी, ये इनकी ड्रेस है जो इन्होंने पूरी इन कर रखी है। ओ ओ गिरी 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 गिरी। आप कैसी हैं राहिमा? अच्छा जाओ। क्या दे जाओ। लेट जाऊं क्यों? लाई हूं। तेल लाई हो? ओ, मेरे लगा होगी सर पे। अच्छा ओके ओके, चलो चलो लो लगाओ सिर पे मेरे। लो हैं ऐसे लगता है, देखो ऐसे लगता है, ऐसे ही रखते हैं बेटे। गन्ना नहीं होता है ऐसे, नहीं खुलता नहीं है ये, देखो ऐसे आता है सर पे। मालिश करो मालिश करो मालिश करो राहिमा की, मालिश कर दो। फ्रेंड्स बेबी के बाल थोड़े हल्के हैं, अगर किसी को पता हो कि बच्चे के बाल भारी कैसे होते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर दें। क्या अच्छा अच्छा मैं दिखाती हूँ ना, रुको। फ्रेंड्स नन्नू देखें, 3:45 पे सो के उठे हैं, 2:30 सो के उठी थी ये। और देखें उठते ही इन्होंने क्या फैलावे शुरू कर दिए, और अब इनको नहलाने के लिए कहा जा रहा है तो ये मान नहीं रही है। देखें कितना परेशान करती हैं, पूरे बेड पे इन्होंने कर रखा है कबाड़ा। कब नहाओगी? कब नहाओगी आप? देखे भाई को सुला रही है, भाई ऑलरेडी सो गया है। चलो नहाई नहाई करो जल्दी से, फिर ये के। फिर अच्छे कपड़े दिखाऊंगी ना मैं तुम्हारे। पिता भाई ने खा लिया? भाई ने नहीं खाया, भाई तो शोल आया राम से। क्यों उठाओगी उसे आप? चलो जल्दी नहा के आओ, अब जाओ। तो फ्रेंड्स हम आज बना रहे हैं कुछ स्पेशल ड्रिंक, खरबूजे की, बहुत ही हेल्दी। और इसमें कुछ और डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स और खरबूजा और दूध। इसकी गुठली निकाल के इस तरीके से, इतनी मैंने ये ले ली खजूर और कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें काजू ज़्यादा पड़ने हैं तो इसमें काजू ले रहे हैं, और कुछ बादाम
छः आठ सात से आठ बादाम ले सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, रोज़ा वैसे भी गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहता है। मैं थोड़ा सा भी मिक्सर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत थोड़ा सा डालना है इससे कि बस फ्लेवर आए। ये खजूर का डालना है, हम कोशिश करते हैं आपको अगर ठीक पीना पसंद है तो आप ठीक कर सकते हैं, हमें थोड़ा पतला पीना पसंद है तो इसमें थोड़ा पानी लगता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ऐसे भी खजूर वगैरह। अब मैं इसको पीसने के बाद दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ग्राइंड हो चुका है, लेकिन अभी भी हमें और बारीक करना है। अगर आपको खाना थोड़ा वो करना पसंद है तो आप ऐसे रहने भी सकते हैं, वरना आप और चला सकते हैं। इधर हमारी बन रही है रोटी, देखिए रोटी बन रही है इधर हमारी, और इधर बन रही है लस्सी। तो फ्रेंड्स ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने एक खजूर डाली है और बादाम डाल रही हूँ काट के इसमें। तो मैंने दो जगह कर दिया है क्योंकि कुछ को सादा पीना पसंद है, कुछ को वैसा, तो मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा रूह अफ्जा डाल देंगे। ये बनके हमारा रेडी है, ऐसा होगा ये। और ये अभी हमारा ये है, इसमें हमें अभी शुगर डालनी है और बर्फ डालना है, उतरना है, फिर इसको मैं करके सर्व आपको दिखाती हूँ। और ये बने हैं हमारे घर कोफ्ते, बहुत ही मज़े के होते हैं, लेकिन अभी इसमें बदक आ रही है तो इसलिए दिख नहीं रहा, मैं आपको बनने के बाद दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी अफ्तार लगनी शुरू हो गई है क्योंकि आज रोज़ा कितने पर है, आज 45 पर है रोज़ा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी है, लेकिन अफ्तार लगनी शुरू हो गई। ये हमारे शाही ब्रेड हैं एंड पकौड़ी हैं, दही फुल्की हैं, चाट है, अभी और आ रहा है सामान, पूरा करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने
ये बनके तैयार हो गया है पूरा। और लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते, इसमें नहीं डाला। ये मैंने चावल बॉइल कर दिए हैं, सारे राइस कर दिए। फ्रेंड्स देखें, बेबी आ गए हैं, बिगाड़ू बेबी हमारी आ गई हैं। बेबी बना रही हैं राइस। और ये देखें हमारी मीट बॉल तैयार हो गई हैं। ये देखें कितनी अच्छी, वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मैं रेसिपी दे सकती हूँ, मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती लेकिन अभी हालत अच्छी बनाती है। तो मैं आटे का क्या करना है? पराठा बनाना है। पराठा बनाना है, ओके। देखो ये बेबी बिगाड़ करने लगती है किचन में आते ही। हाँ रख दिया। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सैलेड भी बना दूँ, खीरा प्याज नींबू और वो सब, एक हेल्दी वाला हेल्दी फूड। अरे देते ये खिचड़ी बन रही है रायते वगैरह के साथ, रायता है और दही फुल्की है तो उसके साथ, क्योंकि मीट बॉल वगैरह तो है ही तो उससे रोटी बनी है। चलते हैं अपने सैलेड की तरफ, देखती हूँ पूछती हूँ खाना है किसी को सैलेड तब बनाऊंगी, वरना तो नहीं बनाती। ये हमारा होममेड खीरा है, सॉरी होम घर के गार्डन का खीरा है, देखिए कितना अच्छा होता है ओरिजिनल वाला देसी एकदम। तो कई सारी चीज़ें हमने घर में लगा रखी हैं, तुरई है, करेला है, तो अभी पहला ही हार्वेस्ट हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि वो बना दें सैलेड। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई, ये मैंने चटनी बनाई है लेमन की। मैंने इसमें डाला है लेमन, लहसुन, थोड़ा सा अदरक और पुदीना डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च है, टमाटर है और नींबू है। तो ये बहुत मज़े की होती है चटनी होती है, और ये जितनी पतली हो ना इतना मज़ा आता है इस चटनी का। इसमें थोड़ा सा मक्खन का और इसका बघार हो जाए ना मज़ा आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो मैंने बोला है मक्खन, हमारा मक्खन यहाँ ही है क्योंकि खिचड़ी के साथ ही मक्खन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखते हैं तैयार हुए हमारे राइस या नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इफ्तार हो चुका है, टाइम नहीं बचा था तो इस वजह से नहीं बना पाए, रोज़ा हो गया था। तो ये हमारा मीट बॉल खा रहा है बकरा। कैसी है मीट बॉल? अच्छी है। ये देखें सब, अभी तक आप सारे चल रहे हैं। बहुत ही मज़े का मीट बॉल बना है फ्रेंड्स, आज कुछ ज़्यादा मज़े का है। खा लो आप। कैसे? मिर्चे लग गई बेबी को, देखा मिर्चे लग गई, बेबी का बगैर मिर्च का बनता है। कोई बात नहीं, ज़्यादा मिर्ची है लाले, ज़्यादा मिर्ची है। प्लेन रोटी खा लो जल्दी से। नूनू खाना है और आपको अम्मा फिनिश कर दे, खाना है रोटी खा लो। ओके मैं दूसरी।
हटो अम्मा को दूसरी दे दो। फ्रेंड्स अब बाद में मिलते हैं, पूरा फिनिश करके इसको जरा। तो फ्रेंड्स हमारा हो चुका है, ये टूट ही नहीं रहा, हमारा खाना हो चुका है। ये देखें बेबी बेड पे स्लीपर लेके बैठती हैं, इनको मना कर रहे हैं मत बैठें तो ये मान गई। और बेबी खा रही थी, और बेबी की अम्मा शाही ब्रेड खा रही थी, और ये बेबी फ़ोन देख रही थी। तो हमने सोचा ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हम लोग भी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट्स करके बताएं मुझे कि मैं बेबी से क्या न्यू करा सकती हूँ, क्या न्यू कर सकते हैं। प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। ओके, गुड नाइट।